सुना पल्लवी, मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा किसी एक को चुन लो। क्या चुन लो? दिल की धड़कन को चुन लूं या सांस लेना चुन लूं? इतने क्या हो गया मम्मा को भी, कौन करता है ऐसी बातें इस जमाने में? मैं कैसे समझाऊं कि मेरे लिए दोनों ही कितने इंपॉर्टेंट हैं? पता है आकाश, जब एक बाप अपनी बेटी को ससुराल भेजता है ना, तो सारी उम्मीदें खत्म सी हो जाती है। बेटी को पराया मान लिया जाता, ऐसी ही चल रही है ये दुनिया। मेरे पापा भी तो यही मान रहे हैं, लेकिन ससुराल में सब उल्टा होता है। एक माँ जिसने अपने बेटे को जिंदगी भर पाला, जिनकी बात उनका बेटा हमेशा मानता, और वो बेटा जो उनकी हर बात मानता है, जब उसी घर में एक बहू आती है ना, तो माँ की उम्मीदें इनसिक्योर हो जाती हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं उनका बेटा उनसे दूर तो नहीं हो जाएगा। लवी, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? इनसिक्योर? शायद मैं समझ रही हूँ आकाश। उम्मीद, सारी प्रॉब्लम ना एक्सपेक्टेशन की है, दूसरों से उम्मीद कर। एक बाप को अपनी बेटी से कोई एक्सपेक्टेशन ना होना, और सास को अपनी बहू और अपने बेटे से दुनिया भर की उम्मीदें होना। अगर इस तरह से सोचेंगे ना आकाश, तो मम्मी जी गलत नहीं लगेगी। और जब गलत लगना बंद हो जाएगी, तभी तो हम उन्हें समझना शुरू कर पाएंगे। आकाश, मम्मी जी गलत नहीं है। तुम ये कह रही हो कि अगर मम्मी कुछ भी कहे तुम्हें, मैं तुम्हारा स्टैंड ना लूं? वो तुम्हें कितना भी सुनाती रहे, मैं चुपचाप सुनता रहूं? कम ऑन यार पल्लवी, मुझे कुछ समझ नहीं आ। मत लो मेरे लिए स्टैंड। उन्हें ऐसा लगने दो कि उनका बेटा उन्हीं का है, उनसे छीना नहीं है। तुम्हें उन्हें समझना होगा आकाश, उनकी साइड लेनी होगी। भले ही उस वक्त तुम्हें उनकी बात गलत लगे, लेकिन फिर भी तुम्हें उनकी बात माननी होगी। और अगर जरूरत पड़े तो उनके सामने मुझे डांटना भी। लेकिन मम्मी जी का दिल मत दुखाना आकाश। एक बार अगर उनके अंदर से ये इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी ना, तो अपने आप उनके दिल के दरवाजे मेरे लिए खुल जाएंगे। आकाश, मैं इस घर में माँ ही तो ढूंढने आई हूँ, और अगर उन्हें पाना है, सही गलत से दूर हट के सोचना चाहिए। उनके साइड रहो आकाश, कि हम साथ हैं और साथ रहेंगे। इतनी तो पक्की है ना हमारी अंडरस्टैंडिंग। चलो भाई, हम तो जाके करते हैं हमारे घर का होलिका दहन। मोहल्ले में हमारी तो इज्जत है ना, और उसे हमें तो बचानी पड़ेगी। अब जिसकी पहली होली है, उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो कहाँ है किसी को नहीं पता। हम तो चलते हैं। भैया, भैया। हाँ? आकाश का कोई फोन है आपको? मेरा एक फोन नहीं उठाया उसने, पता नहीं गुस्से में कहाँ जाके बैठा है। मुझे तो लगता है किसी फ्रेंड के घर गया होगा, लेकिन फोन तो करता, फोन उठाता। पल्लवी को भी फोन किया था मैंने, लेकिन उसका फोन नॉट रिचेबल आ रहा है। आपको फोन आया कोई? नहीं, कोई फोन नहीं आया उसका। फिर होली अब? सुभाष, तुम जाओ कुसुम के साथ, जाके होली की पूजा करो। आप दोनों? मैंने कहा ना, तुझे भाभी। सॉरी माँ,
अब क्यों लौट कर आ गया घर? तू तो माँ को छोड़कर चला गया था ना? हाँ, चला गया था मॉम, लेकिन जब रात को हर तरफ अंधेरा हो जाता है तो अकेले में डर लगता है माँ। मन करता है कि भाग के अपनी मम्मा के पास आ जाऊं और उसे जोर से गले लगा लूं, बिना कोई सवाल किए, बिना कुछ पूछे जब वापस गले लगा लेगी। सॉरी माँ, सॉरी पापा, मैंने आप दोनों का दिल दुखाया। क्या था ना, है ना? लेकिन अब अच्छा लग रहा है। आइए बैठिए पापा। हाँ आजा बेटा। आपने सही कहा था मॉम, पल्लवी को ऐसे अपने पापा से मिलने नहीं जाना चाहिए था। उसने प्रॉमिस किया था ना आपसे, तो प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए था। मुझे भी ऐसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था गुस्से में। प्लीज सॉरी मॉम, मैंने ठीक है, अब भूल जा सब। अब तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाके थाली तैयार करो, होलिका की पूजा शुरू होने वाली होगी। जी मम्मी जी। जा तू भी फ्रेश हो जा और कपड़े चेंज करके जल्दी से आ जा। जी मां। बेटा क्या हुआ? तू तो सीधे आके पूजा करने लग गई। कुछ मिला क्या इसके कमरे से? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं? ये बाहर कैसे रहेगी? थैंक गॉड किसी ने देखा नहीं, वरना प्रॉब्लम हो जाती। बाकी लोग पूजा कर रहे हैं, तुम भी उसी तरह पूजा करो। होगी पूजा? हाँ चले। हाँ हाँ तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या दिखाना? अरे चलो चलो, होगी पूजा होगी। पापा जी आप भी चलिए। अरे लेकिन कहाँ? आप चलिए तो सही, चलिए चलिए, कम कम कम, आ जाओ। अरे चलिए चलिए चलिए। ऐप रेडी है, वेबसाइट रेडी है, इन्वेस्टर्स आर हैप्पी एंड वेट 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 ये अपनी है। बिल्कुल अपनी है। अरे इसको छोड़ो एक मिनट। वरुण ये तो मतलब इट्स अ लक्ज़री कार एंड इट्स एक्सपेंसिव। डार्लिंग तुमसे ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है ना? बेटा तुमने तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। अरे लाओ चाबी, दो जना देखे तो सही हम। बेटा गाड़ी तो बहुत ही चौचक लिए हो तुम। अरे दीपू, पता है बचपन से नहीं ये गाड़ी मेरे सपनों में आती थी। एंड सी नाउ इट्स हियर। ऐप है ना, टेस्टिंग के लिए रेडी हो गई है और इन्वेस्टर्स आर सुपर एक्साइटेड। तो मैंने सोचा कि इस स्पेशल मोमेंट को और स्पेशल बना देते हैं। वैसे भी ना कई दिनों से हमारे बीच में बस गुस्सा गुस्से ही चल रही है, तो आज इस लंबी सी गाड़ी में एक लंबी सी ड्राइव पे चलते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। वरुण ये बहुत एक्सपेंसिव कार है,
हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी। अरे तुम ये सब मत सोचो, तुम्हें पता है ये जो गाड़ी है ना, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। तुम्हें पता है दीपू, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। You're the best wife. I love you. अरे वहां क्या खड़े हो, जल्दी आओ अंदर, जरा घूम के आते हैं हम लोग राउंड लगा के। हाँ चल कम कम। क्या बात है भाई, मैंने और आकाश ने सही फैसला लिया है, मम्मी जी को हर बात में प्रायोरिटी रखने का। फिर भले ही आकाश को मम्मी जी के सामने मुझे नीचा ही क्यों ना दिखाना पड़े, बस आई होप इससे सब ठीक हो जाएगा। कैसे निकलो उस लैंड वाली डील की मुसीबत से? पापा किसी तरह उस पप्पी से अलग हो जाए। कैसे समझाऊ पापा को, वो फंसा रहा है पापा को। शायद मैं ही ज्यादा टेंशन ले रही हूं, पर उनसे हर बात के लिए झगड़ने लगी हूं। इसकी किसी खुशी में साथ ही नहीं दे पाती। मुझे टाइम देना चाहिए वरुण को, वो सेलिब्रेट करना चाहता है तो उसकी खुशी का हिस्सा बनना चाहिए मुझे। क्या है राकेश और जानवी का रिश्ता? राकेश को कुछ पता भी है क्या चल रहा है मेरे दिल में? आए हमारे गरीब घर। अरे क्या बोल रहे आप? एक गुड न्यूज। हेलो जी, ये होली के त्योहार में मेरी तरफ से छोटी सी गिफ्ट आप लोग के लिए। यहाँ पर रवि जी आपको साइन करना है, यहाँ पर एक्चुअली और यहाँ पर अंकल जी का और यहाँ पर ताई जी का साइन करवा दीजिए और 50 लाख रुपए ले जाइए। ट्रस्ट पढ़ लो। अरे पढ़ना क्या है, आपने कहा और भगवान जी ने कहा, एक ही तो बात है। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों के साइन करवा लेंगे। पर मां कैसे कराएंगे दोनों के साइन? कैसे मतलब क्या हो जाएगा जो? तो फिर क्या हम लोग क्या बेकार में मेहनत कर रहे हैं? रवि जी क्या बात कर रहे हैं आप, अगर आप साइन नहीं करवा सकते हैं तो डील तो फेल हो गई, तो पैसे कैसे लेंगे आप? अरे नहीं नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं हम भी तो थोड़ी मेहनत करेंगे ही ना। आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा सब कुछ। चुप कर। सर एक मिनट, ये इस पे तो 1 लाख लिखा है। मतलब पूरी दुकान के 1 लाख? हमारी तो 50 लाख की बात हुई थी ना। मैं तो 1 लाख रुपए ही लिखाऊंगा ना भाई। ओ 1 लाख रुपए, ये पगड़ी है पगड़ी और टोकन, बस आप साइन करवा दें और 49 लाख रुपीज ले जाए। अरे पप्पी मेहरा हूँ मैं, पप्पी मेहरा कमिटेड आदमी, ऐसी बिजनेस नहीं करता इतने सालों से। जी।
उस दिन मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री कुछ दे नहीं पाया, इसलिए मैंने सोचा कि ये साइन करवा दीजिए और ये ले जाइए। बहुत बड़ा दिल है आपका, वरना आज के जमाने में ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? रवि जी यहाँ पहले आप साइन कर दीजिए। और ये जो है ना अंकल जी और ताया जी, उन दोनों का साइन जी। ले लो ये। हाँ ले जाओ भाई, बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर काम नहीं होना, ना ही कुछ मिलना है। अच्छा जी, साइन तो करवाओ, फिर दगान अपने हैं। तुम्हें क्या लगता है कि पप्पी मेरा तुम्हें 50 लाख रुपए दे रहे? 50 लाख रुपए? ना 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 ना। तुम्हारी दगान हड़प रहा हूं। और ये सब रंग घर में फैल जाएगा फिर? अरे मम्मा, मुझे तो प्रिंट आउट निकालना था और पापा का लैपटॉप ही नहीं चल रहा है। आज होली के दिन क्या प्रिंट आउट निकालना है तुम्हें? और पापा ना सो रहे हैं तो उनको उठाना मत, और उनसे बिना पूछे लैपटॉप हाथ भी मत लगाना, ठीक है? जानवी आंटी का ले लूं? नहीं, वो भी नहीं, बिल्कुल नहीं, हाथ नहीं लगाना। अरे मम्मा, इम्पोर्टेंट काम है, होली का प्लान बनाया हमने कि हम फनी प्रिंट आउट्स लेंगे और सबके बैग पे चिपकाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मना किया ना मैंने। राहुल क्या कर रहे हो? मना किया था मैंने। सॉरी मम्मा। राहुल, अरे तुम्हारे और प्रिंट निकल रहेंगे क्या? ये जानवी ने मेरी जगह अपनी फोटो क्यों चिपका ली है? ये दरवाजा क्यों बंद था? शायद हवा से बंद हो गया होगा, ध्यान नहीं गया हमारा। ये मेरे ब्लड रिपोर्ट्स है, दिखाओ मुझे। सॉरी तन्वी, बट मैं अपनी रिपोर्ट्स प्राइवेट रखना चाहती हूँ। ये बाहर कैसे रहेगी? थैंक गॉड किसी ने देखा नहीं, वरना प्रॉब्लम हो जाती। हैप्पी होली। अकेली क्या कर रही हो? पति कहाँ है तुम्हारा? और मेरी पत्नी, माँ बेटे सुबह से गायब है, दिखे ही नहीं है। वो मम्मी जी कह रही थी कि हनुमान मंदिर जाएंगी, उनके दर्शन करके आएंगी, तो वहीं गए हैं। हनुमान जी के मंदिर होली के दिन कौन जाता है? नहीं, ये कुसुम ना हर दिन कुछ भलता ही निकल के लाती है, मतलब एक क्या लॉजिक है क्या? अरे कोई बात नहीं सुभाष, मन किया हनुमान जी के दर्शन करने का, चले गए, अच्छी बात है। लो आ गए। कुसुम, हो गए दर्शन हनुमान जी के? कुसुम, हाँ हाँ हो गए। हैप्पी होली कुसुम। हैप्पी होली कुसुम। हैप्पी होली भाई साहब, हैप्पी होली दीदी। क्या हुआ कुसुम? टेंशन है क्या? हुआ तुम ऐसे कोए कोए क्यों? नहीं नहीं पापा, कौन परेशान है,
है नहीं? हाँ हाँ, क्या टेंशन, कुछ नहीं। संध्या कुछ ठंडा पीने के लिए लाओ ना, बहुत प्यास लगी है। हाँ मैं अभी लेके आती। देखा नहीं, ये ऐसा है, कल का झगड़ा आज तक दोनों अपने दिमाग में लेके घूम गए। सुभाष अरे थोड़ा टाइम दे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। आप ज्यादा सोचते हैं, पता है वो तकलीफ है भाई। बाहर आओ। ओ गुप्ता जी आ गए। सुभाष चल चल, आकाश चले। अब पल्लवी कटहल ले आओ, अब कोफ्ते बना ले। जी मम्मी जी, मैं लाती हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.